हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। सो कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज अपने पास रियलमी 12X 5G फ़ोन जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप लोग रियलमी 12X 5G फ़ोन में कैमरा स्लो मोशन वीडियो सेटिंग को किस तरीके से आप लोग कर सकते हो, किस तरीके से आप लोग इस फ़ोन में स्लो मोशन मोड में वीडियो को बना सकते हो। कैमरा स्लो मोशन वीडियो सेटिंग के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। आपको किस तरीके से करना है, कौन सी सेटिंग है और किस तरीके से आपको स्लो मोशन मोड में वीडियो बनानी है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो पे मिलेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कैमरा स्लो मोशन वीडियो सेटिंग करने के लिए आपको सिंपली से क्या करना पड़ेगा, आपको कैमरा एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे कैमरा एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है, आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो। जैसे ही ओपन करोगे तो आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस है, वो आ जाएगा कैमरा एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब आप क्या करना है, आप नीचे भी काफ़ी सारे ऑप्शन दिखेंगे एंड ऊपर भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखेंगे। तो आपको जैसे कि नीचे ऑप्शन दिख रहा है फोटो, वीडियो, स्ट्रीट, पोर्ट्रेट, मोर, तो आपको सिंपली लास्ट में जो मोर का ऑप्शन दिख रहा है ना, सिंपली से आपको मोर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप मोर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो सिंपली से आपको यहाँ पे स्लो मो का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको सिंपली स्लो मो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे मैंने स्लो मो के ऑप्शन पे क्लिक किया तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आपको नीचे रेड कलर का आइकन दिखेगा। जैसे आप रेड कलर के आइकन पे क्लिक करते हो तो आपके फोन में जो स्लो मोशन मोड में जो वीडियो बनना स्टार्ट हो जाएगी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो स्लो मोशन मोड में जो वीडियो है वो यहाँ पे बनने लग गई है। अब वीडियो तो आप स्लो मोशन मोड में बनना स्टार्ट हो गई। अब आप लोग अच्छी क्वालिटी में स्लो मोशन मोड में वीडियो किस तरीके से बना सकते हो उसके बारे में हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताते हैं। तो उसके लिए पहले क्या करना है, पहले इस वीडियो को आपको रोक देना है। रोकने के बाद गई आपको सिंपली आना है बैक, इस तरीके से बैक आने के बाद सिंपली आपको नॉर्मल वीडियो मोड में आना है। नॉर्मल वीडियो मोड में आके आपको ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा होगा सेकंड नंबर पे, सिंपली से आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप लोग यहाँ से क्वालिटी को कस्टमाइज कर सकते हो। अगर आप ये 720 पिक्सल FPS पे है तो सिंपली इसको 720 पिक्सल 30 FPS से हटा के आपको 1080 पिक्सल एंड 30 FPS पे आपको सेलेक्ट कर देना है। जिससे क्या है कि आप जब भी वीडियो क्लिक करोगे तो वीडियो क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया आपको देखने के लिए मिलेगी।